हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 7 दिनों से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय होती चल रही हड़ताल के तहत गुरुवार को ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में लगे मजदूर जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां केंद्रीय सड़क मंत्री का पुतला फूंककर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पिछले 7 दिनों से ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चल रही है। हड़ताल के कारण अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। वहीं यहां की औद्योगिक इकाइयों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अब तक इनकी मांगों को लेकर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक सहयोग नहीं मिलने के कारण गुरुवार को इन ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने यातायात नगर से कलेक्ट्रेट के बीच जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान शामिल श्रमिक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते चल रहे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर इन्होंने केंद्रीय सड़क मंत्री का पुतला फूंककर ज्ञापन सौंपा। पाली जिले से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।